श्री गणेशाय नमः। प्रयाग महात्म्य, अग्निदेव द्वारा प्रयाग का महात्म्य जानिए। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन अब मैं प्रयाग का महात्म्य बताता हूँ, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला तथा उत्तम है। प्रयाग में ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा बड़े बड़े मुनिवर निवास करते हैं। नदियाँ समुद्र सिद्ध गंधर्व तथा अप्सराएं भी उस तीर्थ में वास करती है। प्रयाग में 3 अग्निकुंड हैं। उनके बीच में गंगा सब तीर्थों को साथ लिए बड़े वेग से बहती है। वहाँ त्रिभुवन विख्यात सूर्य कन्या यमुना भी है। गंगा और यमुना का मध्य भाग पृथ्वी का जगन माना गया है और प्रयाग को ऋषियों ने जगन के बीच का उपस्थ भाग बताया है। प्रतिष्ठान झूसी सहित प्रयाग, कंबल और अश्वतर नाग तथा भोगवती तीर्थ ये ब्रह्मा जी के यज्ञ की वेदी कहे गए हैं। प्रयाग में वेद और यज्ञ मूर्तिमान होकर रहते हैं। उस तीर्थ के स्तवन और नाम कीर्तन से तथा वहाँ की मिट्टी का स्पर्श करने मात्र से भी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर किए हुए दान श्राद्ध और जप आदि अक्षय होते हैं। ब्रह्मन वेद अथवा लोक किसी के कहने से भी अंत में प्रयाग तीर्थ के भीतर मरने का विचार नहीं छोड़ना चाहिए। प्रयाग में 60,10,000 तीर्थों का निवास है, अतः वह सबसे श्रेष्ठ है। वासुकी नाग का स्थान, भोगवती तीर्थ और हंस प्रपतन ये उत्तम तीर्थ है। कोटि गोदान से जो फल मिलता है वही इनमें 3 दिनों तक स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। प्रयाग में माघ मास में मनीषी पुरुष ऐसा कहते हैं कि गंगा सर्वत्र सुलभ है, किंतु गंगा द्वार प्रयाग और गंगा सागर संगम इन 3 स्थानों में उनका मिलना बहुत कठिन है। प्रयाग में दान देने से मनुष्य स्वर्ग में जाता है और इस लोक में आने पर राजाओं का भी राजा होता है। अक्षय वट के मूल के समीप और संगम आदि में मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य भगवान विष्णु के धाम में जाता है। प्रयाग में परम रमणीय उर्वशी, पुलिन, संध्यावट, कोटि तीर्थ, दशा अश्वमेध घाट, गंगा यमुना का उत्तम संगम, रजोहीन मानस तीर्थ तथा वासरक तीर्थ ये सभी परम उत्तम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री हरि लक्ष्मी जी की जय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।